सर वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है, कांग्रेस का क्या होता है, कांग्रेस का गठबंधन और कांग्रेस हारने के लिए, हारने के लिए खुद दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने। बोले पूछे क्या पूछे सर, आज आप लंबे अंतराल बाद पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं सर? हाँ, बहुत लंबे अरसे से हम पटना में नहीं थे, हम पटना जा रहे हैं और वहाँ चुनाव भी है, बाई इलेक्शन तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में, कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने का। अभी तो डॉक्टर साहब से उन्होंने छुट्टी दिया है, एक महीना का दवा लेके फिर आने आना है, इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पर। सर वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है, कांग्रेस का क्या होता है, कांग्रेस का गठबंधन और कांग्रेस हारने के लिए, हारने के लिए खुद दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है ये? भगचरण यादव भक्सो न रही है, उसको कुछ पता है? भगचरण यादव सुनिए, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन आगे भी नहीं रहेगा, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन आगे भी नहीं रहेगा। बीजेपी के लोग ये बात कर रहे हैं कि आप उपचुनाव में प्रचार नहीं कर सकते हैं, हेल्थ ग्राउंड पे आपको जमानत मिली है। गलत बोलता है वो, कोई उस आधार पर नहीं मिला है, हाफ सेंटेंस काटने के बाद मिला। सर अंतिम सवाल यह है सर कि आप पटना जा रहे हैं, जिस तरीके से आपके पार्टी और परिवार में कुछ नाराजगी नजर आ रही है सर, क्या लालू यादव इसीलिए पटना जा रहे हैं? क्या कोई नाराजगी? कुछ नहीं, कुछ नाराजगी नहीं। तेज और तेजस्वी में सब कुछ ठीक है, दोनों हमारे बेटे हैं जी, सब ठीक। पाकिस्तान का मैच है, कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं।